स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स 8,000 रुपए से कम कीमत में काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में सेंट्रिक ने सेंट्रिक L3 ये मॉडल लॉन्च किया है जिसकी कीमत 6,749 रुपए है। हालांकि मार्केट में कंपटीशन काफ़ी गर्म है, क्या सेंट्रिक L3 अपने लिए जगह बना पाएगा? आइए जानते हैं। ये एक बजट स्मार्टफोन है और इसकी बनावट में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। फ़ोन का फील उतना खास नहीं है और इसका बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट्स छूट जाते हैं। अगर आप फ़ोन की बात करें तो इसमें 5 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है जिसके नीचे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशनिंग थोड़ी सी गहरी है जिसके कारण जब आप उस पर अंगूठा रखेंगे तो आपको अंगूठे पर थोड़ा सा दबाव देना होगा। फ़ोन के पावर और वॉल्यूम बटन राइट साइड पर है और डिवाइस के छोटे साइज के कारण इनको क्लिक करना आसान है। पावर बटन पर टेक्सचर दिया गया है जिससे आप पावर और वॉल्यूम बटन के बीच में अंतर जान सकते हैं। इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक और माइक्रो USB पोर्ट फ़ोन के ऊपर दिए गए हैं, जबकि फ़ोन के नीचे सिर्फ इसका लाउडस्पीकर ग्रिल है। फ़ोन का बैक कवर रिमूवेबल है और अब जैसे ही बैक कवर निकालेंगे आप देख सकेंगे कि ये फ़ोन एक ड्यूल सिम डिवाइस है जिसमें 2 माइक्रो सिम स्लॉट्स लगे हुए हैं। साथ ही में इसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी 3050 mAh है और बैटरी नॉन रिमूवेबल है। इस HD IPS पैनल के ऊपर 2.5D का कर्व ग्लास लगा हुआ है। ये पैनल इस प्राइस में सबसे बेहतरीन नहीं है और इसमें पिक्सल्स आसानी से दिखाई देते हैं। व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक है और सूरज की रोशनी में भी इस डिस्प्ले को आप पढ़ पाएंगे। हमारे रिव्यू यूनिट पर बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू था जिसके लिए सेंट्रिक ने हमको दूसरा यूनिट भेजा जिसमें यह इशू नहीं था। इस स्मार्टफोन में MediaTek MT6737 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 1.3 GHz पर क्लॉक किया गया है। इस फ़ोन में 2 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज आप एक्सपैंड कर सकते हैं और इसके डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड में आप 256 GB तक के कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रिक L3 एक डुअल सिम डिवाइस है जिसमें 2 माइक्रो सिम लगते हैं और इसमें 4G और VoLTE की सुविधा दी गई है। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये फ़ोन एंड्रॉयड नूगा पर चलता है जिसमें हल्के फुल्के कस्टमाइजेशंस किए गए हैं। इसमें मोशन जेस्चर्स और जेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है। मोशन जेस्चर्स इस फ़ोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप फ़ोन के ऊपर हाथ फेर कर म्यूजिक ट्रैक चेंज कर सकते हैं या फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। जेस्चर इनपुट भी फ़ोन पर उपलब्ध है जिससे आप फ़ोन को डबल टैप करके जगा सकते हैं या तो अक्षर लिखकर एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं। जेस्चर इनपुट को पहचानने में फ़ोन थोड़ा सा स्लो है जिससे एप्लीकेशंस लॉन्च होने में देर होती है। अगर फ़ोन के प्री इंस्टॉल ऐप्स की बात की जाए तो इसमें सेंट्रिक केयर, सेंट्रिक स्टोर, स्विफ्ट की कीबोर्ड ऐप और एक टॉप डॉक्टर्स ऑनलाइन का ऐप मौजूद है। टॉप डॉक्टर्स ऑनलाइन एक हेल्थ केयर ऐप है जिससे आप डॉक्टर्स से वार्तालाप कर सकते हैं। यह सर्विस फ्री नहीं है और इसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 29 रुपये चार्ज किया जाएगा और अगर आपको डॉक्टर से चैट करनी है तो आपको 49 रुपये चार्ज किया जाएगा। इस ऐप से आप डॉक्टर और पैथोलॉजी लैब में अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। हमने इस फ़ोन पर मिसाइल्स और शैडो फाइट 3 जैसे गेम्स खेले। मिसाइल्स एक छोटा गेम है जिसको लोड करने में कोई टाइम नहीं लगा और इस गेम को खेलने के दौरान हमें लैग भी नहीं महसूस हुआ। शैडो फाइट 3 एक हैवी गेम है जिसको लोड करने इस फ़ोन को थोड़ा समय लगा और हल्का सा लैग भी खेलते वक्त महसूस हुआ। सेंट्रिक L3 में 3050 mAh का बैटरी लगा हुआ है जो हल्के यूसेज से एक दिन तक चल सकता है। अगर आपका यूसेज थोड़ा और ज़्यादा है तो ये फ़ोन को आपको शाम तक चार्जिंग पर लगाना होगा। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये फ़ोन 9 घंटे 29 मिनट तक चला। फ़ोन में इंटेलिजेंट पावर सेविंग मोड भी है जो आइडल होने पर बैटरी की खपत कम करता है। सेंट्रिक L3 में 13 MP का कैमरा लगा हुआ है और इसका ऑटो फोकस थोड़ा सा स्लो है। फोकस करने में फ़ोन काफ़ी टाइम लगाता है और आपको कई बार स्क्रीन पर टैप करना होगा ताकि ये सही जगह पर फोकस करे। कम रोशनी में ये फोकस करने में और भी ज़्यादा वक्त लगाता है। फ़ोन में ऑटो सीन डिटेक्शन मोड भी है जो बेहतर फोटो लेने के लिए मदद करता है। हमने देखा कि फ़ोटोज़ में कलर को बूस्ट किया गया है। लैंडस्केप शॉट्स ठीक ठाक है और इसमें डिटेल्स भी दिखाई देते हैं। मैक्रो शॉट्स में डिटेल अच्छे हैं पर आपको फोकस होने तक संयम रखना होगा। लो लाइट में अच्छे फोटो खींचने के लिए फ़ोन शटर स्पीड को कम करता है और ISO को बढ़ा देता है। लो शटर स्पीड के कारण आपको आपका हाथ स्थिर रखना होगा, नहीं तो फोटो अच्छे नहीं आएंगे। इस फ़ोन के साथ कम रोशनी में मैक्रो खींचना आसान नहीं है। सेंट्रिक L3 कैमरा नॉइस को कंट्रोल में रखता है पर डिटेल्स अच्छी नहीं आती। सेल्फीज ठीक ठाक है और इसको आप सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं।
सेंट्रिक L3 का प्राइमरी और सेल्फी कैमरा HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकता है। सेंट्रिक L3 स्मार्टफोन अपने लिए एक क्राउडेड सेगमेंट में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बेसिक हार्डवेयर है जो अन्य मैन्युफैक्चरर्स भी इस प्राइस रेंज में ऑफर कर रहे हैं। इस फोन में कोई खराबी नहीं है, पर ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी खूबी भी नहीं है जो आपको इसकी ओर आकर्षित कर सकती है। अगर आपको एक बेसिक फोन चाहिए तो आप सेंट्रिक L3 को चुन सकते हैं, पर यदि आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें कोई हटके खूबी हो तो आप इनफोकस का विजन 3 चुन सकते हैं, जिसमें बड़ा 18:9 का डिस्प्ले है और 4000 mAh की बैटरी है लगभग सेम प्राइस पर। तो यह था हमारा सेंट्रिक L3 का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और टेक दुनिया की सारी जानकारी के लिए hi.gadgets360.com पर लॉगिन कीजिए।